आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड्स की यानी कि वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जो यदि सेंटेंस में होंगे तो हमको मालूम चलेगा कि ये वाक्य जो है आपका प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं आज इस वीडियो में समझते हैं जैसा कि आपको टॉपिक का नाम मालूम चल गया टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए एक कीवर्ड है आपको बहुत ही मदद करेगा तो इन वर्ड्स की जानकारी आप अच्छी तरह से कर लीजिए जो कि टाइम एक्सप्रेशंस से है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला आपका वर्ड है कि नाउ ए डेज जैसे ही सेंटेंस में आपको नाउ ए डेज मिलेगा आप समझिएगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है पास्ट की बात करें तो इन द पास्ट और फ्यूचर में आपका नेक्स्ट मंथ तो ये जो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स है इसको बढ़िया से समझते चलिएगा तो पहला आप समझ गए नाउ ए डेज रहने पर कौन सा वाक्य आपका प्रेजेंट का इन द पास्ट रहने पर पास्ट का और नेक्स्ट मंथ रहने पर फ्यूचर का सेकेंड नंबर बात करें तो दीज डेज दीज डेज यदि सेंटेंस में आपका होगा तो प्रेजेंट का पास्ट की बात करें तो ए लॉन्ग टाइम ए गो ए लॉन्ग टाइम ए गो रहेगा तो सेंटेंस आपका किस में रहेगा पास्ट में और नेक्स्ट ईयर यदि सेंटेंस में हो तो फ्यूचर टेंस बताता है तो ये फ्यूचर का हो गया आपका नेक्स्ट ईयर तो सेकेंड नंबर भी आप समझ गए कि दीज डेज प्रजेंट का ए लॉन्ग टाइम ए गो पास्ट का और नेक्स्ट ईयर फ्यूचर का तीसरा बात करें तो राइट नाउ राइट नाउ प्रजेंट द डे बिफोर आपका पास्ट का और इन एन आवर आपका फ्यूचर का हो जाएगा तो तीसरा आप समझ गए राइट नाउ प्रेजेंट द डे बिफोर पास्ट का इन एन आवर आपका फ्यूचर का फोर नंबर की बात करें तो एज वी स्पीक आपका प्रेजेंट का टाइम शो करेगा यस्टरडे पास्ट का शो करेगा और सुन आपका फ्यूचर का टाइम शो करेगा तो फोर नंबर आप समझ गए एज वी स्पीक प्रेजेंट का टाइम यस्टरडे पास्ट का टाइम सुन फ्यूचर का टाइम देखिए ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स की जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे क्योंकि प्रेजेंट का वर्ब आपको मालूम रहेगा पास्ट का मालूम रहेगा और फ्यूचर का मालूम रहेगा और ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स आपको मालूम है तो आप इजली एग्ज़ाम दीजिएगा आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि जब आपका सब सही हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो मार्क्स तो मिलेंगे ही तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पाँच नंबर टुडे टुडे आपका टाइम शो so करेगा प्रजेंट का रिसेंटली पास्ट का वे ऑफ इन द फ्यूचर आपका फ्यूचर का नेक्स्ट बात करें सिक्स नंबर दिस वीक दिस वीक जो आपका टाइम शो so करेगा वो प्रजेंट का इन 2011 है तो ये आपका पास्ट का द डे आफ्टर टमोरो फ्यूचर का नेक्स्ट बात करें सेवन नंबर की तो दिस ईयर दिस ईयर आपका क्या शो करेगा प्रेजेंट का ठीक है ए लिटिल वाइल अगो पास्ट का टुमारो फ्यूचर का एट नंबर एट द मोमेंट आपको बिल्कुल मालूम है पहले से तो एट द मोमेंट प्रेजेंट का टाइम शो कर रहा है एन आवर एगो आपका पास्ट का नेक्स्ट वीक मंथ का एगो तो आप बिल्कुल याद ही कर जाइए पास्ट का नौ नंबर नाउ एट दिस टाइम प्रेजेंट का टाइम शो करेगा वन वीक एगो आपका पास्ट का इन द फ्यूचर आपका फ्यूचर का तो ये आपके हो गए टॉप नाइन टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं प्रेजेंट में आपका नाउ ए डेज पास्ट में आपका हो जाएगा इन द पास्ट फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ दीज डेज आपका प्रेजेंट में शो करेगा ए लॉन्ग टाइम एगो पास्ट में नेक्स्ट ईयर फ्यूचर राइट नाउ प्रेजेंट द डे बिफोर पास्ट का शो करेगा टाइम इन एन आवर फ्यूचर का चार नंबर की बात करें तो एज वी स्पीक आपका प्रेजेंट का शो करेगा टाइम यस्टरडे पास्ट का शो करेगा सुन फ्यूचर का टुडे प्रेजेंट का टाइम शो करेगा रिसेंटली पास्ट का फ्यूचर का वे ऑफ इन द फ्यूचर दिस वीक आपका प्रेजेंट का टाइम शो करेगा इन टू थाउजेंट इलेवन आपका पास्ट का शो करेगा द डे आफ्टर टुमारो फ्यूचर का उसी तरह से प्रेजेंट का टाइम शो करेगा दिस ईयर पास्ट का लिटिल वाइल लगो फ्यूचर का टुमारो एट द मोमेंट प्रेजेंट का टाइम शो करेगा एन आवर एगो पास्ट का नेक्स्ट वीक फ्यूचर का नाउ एट दिस टाइम प्रेजेंट का टाइम शो करेगा वन वीक एगो पास्ट का और इन द फ्यूचर फ्यूचर का तो ये आप बढ़िया से समझ गए होंगे टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड्स प्रेजेंट का पास्ट का फ्यूचर का टॉप नाइन मैंने आपको बताया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आप टाइम एक्सप्रेशन वर्ड से आप सेंटेंस को ईजिली आप देख सकते हैं कि कौन सा टेंस का है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ कीजिएगा तो ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स को आप एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा आपको मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मदद करेगा अच्छी तरह से एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा समझ लीजिएगा और जब भी समय मिले तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ओके धन्यवाद